अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तस्नीम और आप देख रहे हो फोर्ड जॉब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब रोज़गार स्कीम में अप्लाई करने का तरीका बताने वाला हूं इसी वीडियो में, और जो भी और चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये दोस्तों जॉब के रिलेटेड ये वीडियो नहीं है। अगर आप लोग इस तरह की वीडियो पे मतलब कि सुनना नहीं चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस चैनल पे फोर्ड जॉब पे ओवरऑल जो जॉब्स के बारे में न्यू जॉब्स आते हैं उनके बारे में लाजमी इंफॉर्मेशन दी जाती है दोस्तों। तो टाइम वेस्ट किए बगैर ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन की भी दबा दें ताकि इस तरह की मालूमती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक पर वक्त पहुंच सके दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर ओवरऑल पाकिस्तान में जो भी न्यू जॉब्स अनाउंस की जाती हैं उनके बारे में लाजमी इंफॉर्मेशन दी जाती है दोस्तों। टाइम वेस्ट किए बगैर आप ये सारा तरीका जानते हैं। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि दोस्तों पंजाब रोज़गार लोन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर, तो इस तरह के शोबों में आप लोन इस शोबे में काम करने के लिए आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। इसमें 20 से 50 साल उम्र चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को इसमें सिर्फ पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो जो बिज़नेस टाइप है वो है सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और एनी बिजनेस फुलफिलिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मस्ट हैव ए क्लीन ECIB क्रेडिट हिस्ट्री। तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा फुल। तो ये उनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर आ चुके हैं हम, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप ख़ुद भी अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं और या अप्लाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों तो ये इस तरह का इंटरफेस होएगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर आप लोगों को नज़र आएंगे दो तीन ऑप्शन। एक आएगा साइन इन, एक आएगा फॉरगेट पासवर्ड और एक आएगा एप्लीकेशन साइनअप। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन साइनअप करेंगे, उसके बाद ही इसमें अप्लाई स्टार्ट होगा। जब साइनअप एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का जो आएगा प्रोसीजर, तो सबसे पहले आप लोगों को फुल नेम, ईमेल एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, कन्फर्म शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को टाइप करनी होंगी। उसके बाद आप लोगों ने रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद ईजिली आप पासवर्ड लगा के और शनाख्ती कार्ड नंबर लगा के आप लॉगिन करके ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं लाजमी इसका जवाब दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।